हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस मोबाइल में फ़ोन पर बात करने पर स्क्रीन लाइट बंद हो जाता है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर फ़ोन ऐप को खोजना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर, और जो फ़ोन का पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। फिर जब भी फ़ोन पर बात करेंगे तो स्क्रीन लाइट बंद नहीं होगा। तो अगर इतना करने के बाद भी सही नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। तो डेवलपर ऑप्शन में जाकर आपको क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेंसर्स ऑफ का, आप उस सेटिंग को चालू कर देना। तो जैसे ही सेटिंग को चालू करेंगे तो फ़ोन के नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन बनकर आ जाएगा, तो उस ऑप्शन पर आपको चालू कर देना है। और जैसे ही आप चालू कर देंगे फिर फ़ोन पर बात करेंगे तो स्क्रीन बंद नहीं होगा, और इस तरह आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।